नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री बागेश्वर धाम सरकार, जय श्री बालाजी महाराज की, जय श्री सन्यासी बाबा की। तो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर एक और नई वीडियो के साथ। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे सांप की कैचुली के लेकर। जी हाँ दोस्तों, सांप की कैचुली आपके लिए क्या चमत्कार कर सकती है, साथ ही आपके लिए कितना फ़ायदेमंद हो सकती है सांप की कैचुली। तो दोस्तों, क्या आपने सांप की कैचुली देखी है? क्या आप जानते हैं कि सांप की कैचुली क्या होती है और यह कहाँ पर मिलती है? सांप की कैचुली क्या चमत्कार कर सकती है? अगर नहीं तो ज़रा यह बताइए कि क्या आप चमत्कार देखना चाहते हैं और बहुत थोड़े से प्रयासों से अपने घर में धन दौलत के भंडार भरना चाहते हैं? तो एक साधारण सी चीज़, दिखने वाली चीज़ आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, आपकी ज़िंदगी में कमाल के परिणाम ला सकती है। और यह चीज़ और कुछ नहीं बल्कि सांप की कैचुली ही है। जी हाँ दोस्तों, ये मटमैली सी दिखने वाली सांप की उतरी हुई खाल आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। आप अपनी ज़िंदगी में जो कुछ चाहते हो वह आपको मिल सकता है, फिर चाहे वह धन दौलत हो, नौकरी में तरक्की हो, व्यापार में बढ़ोतरी हो, या फिर जिन महिलाओं के संतान नहीं हो रही हो, बांझपन हो, आपको पुत्र की अभिलाषा हो, यह साधारण सी दिखने वाली सांप की कैचुली आपकी ज़िंदगी की सारी समस्याओं का समाधान कर सकती है। आपको बता दें कि बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेंद्र किशन शास्त्री जी का कहना है कि अगर आपको सांप की कैचुली कहीं पर भी मिल जाती है तो इसे भूल से भी नहीं छोड़िएगा, क्योंकि सांप की कैचुली का प्रयोग करके आप कुछ विशेष उपाय करके आप अपनी ज़िंदगी की हर मुश्किलों का समाधान कर सकते हैं और जो आप चाहते हैं वह पा सकते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि बागेश्वर धाम सरकार से जुड़ी और भी बहुत सारी जानकारी आपको मिलती रहे। दोस्तों, जब भी हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों की बात की जाती है तो हमारे यहाँ पर देवी देवताओं की मूर्ति पूजा से लेकर नदियों पर, तालाबों, जीव जंतु और पेड़ पौधों से में भी ईश्वर का रूप माना जाता है। इन्हीं में से एक है नाग देवता। हिंदू धर्म में जहाँ तक एक तरफ नाग देवता को महादेव के गले में पड़े बासुकी नाथ की तरह पूजा जाता है, वहीं दूसरी तरफ क्षीर सागर में शेषनाग के सैया पर लेटे हुए विष्णु भगवान के सहायक के रूप में माना जाता है। वहीं कुछ लोग नाग देवताओं को अपने पूर्वजों के रूप में भी देखते हैं। ऐसे में यह सांप की कैचुली क्या होती है, ये जानना भी आपके लिए बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। आपको बता दें कि एक समय के बाद सांप अपने शरीर पर अपने पुरानी खाल को उतार देता है और नई खाल धारण कर लेता है, और साथ ही ऐसा करने से सांप अपनी उम्र भी बढ़ा लेता है। ऐसे में साधारण रूप से कहा जाए तो सांप की कैचुली वास्तव में सांप की उतरी हुई पुरानी और मृत खाल होती है, और यह गाँव, जंगलों, इलाकों में आसानी से देखने को मिल भी जाती है। तो गुरुजी का कहना है कि अगर आपको भी सांप की कैचुली कहीं पर मिल जाती है तो इसे भूल कर भी छोड़िएगा मत, क्योंकि इसके ज़रिए आप अपनी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति कर सकते हैं। साधारण तौर पर सांप की कैचुली या तो भूरे रंग की दिखाई देती है या फिर सफ़ेद रंग की होती है। इसके अलावा गुरुजी ने सांप की कैचुली के कुछ विशेष उपाय भी बताए हैं, जैसे कि अगर आपके व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, आपका पैसा मारा जा रहा है, या आपका पैसा मर जा रहा है, या फिर आपकी चलती हुई दुकान बंद हो गई है, धंधा मंदा चल रहा है, लोगों ने आपका पैसा उधार तो ले लिया लेकिन आपकी उधारी देने का नाम नहीं ले रहे हैं, कर्ज के नीचे दबे, या आप कर्ज के नीचे दबे हुए हो, आपकी ज़िंदगी में तरक्की हो ही नहीं रही हो, व्यापार आगे बढ़ नहीं रहा हो, मेहनत का फल भी आपको मिल नहीं रहा हो, तो अगर आपको कहीं भी सांप की कैचुली मिल जाए तो उसे बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। तो आगे आपको बता दें कि इसे आप घर लाकर सबसे पहले गंगा जल से शुद्ध कीजिए, इसके बाद आप इसे लेकर महादेव के मंदिर में चले जाइए। महादेव के मंदिर में चले जाने के बाद महादेव के शिवलिंग पर जल से स्नान कराने के बाद सांप की कैचुली को महादेव के शिवलिंग से स्पर्श करा दीजिए। इसके बाद आप इसे रोली और अक्षत से इसकी पूजा कीजिए, लाल कपड़े में बांधकर अपने दुकान के गले में रखिए। गुरुजी का कहना है कि इस उपाय को करते समय आपको लगातार ओम नमः शिवाय का जाप करना होगा, क्योंकि उपाय को करने के बाद आपकी दुकान में जो ग्राहकों की भीड़ लगेगी वह देखने लायक ही होगी, और साक्षात महादेव आपकी व्यापार में तरक्की के सारे मार्गों को खोल देंगे। इसके अलावा आपके घर में पैसा आता तो बहुत है लेकिन टिकता नहीं है, तिजोरी में आप जितना चाहे पैसा रख ले, कोई ना कोई ऐसा खर्चा मुसीबत आ ही जाती है जिसकी वजह से आपका सारा धन खर्च खर्च हो जाता है, आपकी तरक्की कर नहीं पाते हैं, आपकी तरक्की रुक जाती है, आपके घर में बरकत और बरकत भी नहीं रहती है, और माता लक्ष्मी आपके घर पर कृपा नहीं करती है। तो ऐसे में आपको सांप की कैचुली को लेना है, गंगा जल से स्नान कराना है और उसे अपने घर के मंदिर में रखना है। इसके बाद आप एक लाल कपड़ा लीजिए, लाल कपड़ा आपने ले लिया है तो उसके बाद लाल कपड़े पर सांप की कैचुली के साथ में आपको दो लौंग, एक इलायची भी रख देनी है। इसके बाद आप इसे धूप दिखाइए, चंदन अक्षत से इसकी पूजा कीजिए, फिर इस लाल रंग के कपड़े को पोटली बनाकर या पोटली बांधकर आप अपनी तिजोरी में रख लीजिए। आप तिजोरी के रखकर चंदन से स्वास्तिक भी बना दीजिए,
महादेव का ध्यान कीजिए। इसके बाद आपकी तिजोरी में न केवल धन की बाढ़ आ जाएगी बल्कि धन टिकेगा भी, क्योंकि जब रक्षा स्वयं नाग देवता कर रहे हैं तो तिजोरी का धन भला कैसे कहीं जा सकता है। इसी के साथ गुरु जी का कहना यह भी है कि अगर आपके घर में कोई ऐसे बच्चे हैं जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें सफलता नहीं मिल रही है, बच्चों की पढ़ाई में मन नहीं लगता है, बच्चों का मन संयम नहीं रख पाता है, फिर आपको नौकरी में तरक्की नहीं मिल पा रही है, प्रमोशन भी नहीं हो रहा है, आप मेहनत करने के बाद भी सफल नहीं हो रहे हो, बार बार आपको निराशा का सामना करना पड़ रहा है, तो सफलता पाने के लिए आप लाख हाथ पैर मारने के बाद भी आप सफलता से दूर ही रह जाते हो, तो अगर आप भी सांप की कचली कहीं मिल जाती है तो इसे घर में लेकर आइए। घर में लाकर इसे पूरे विधि विधान से साफ शुद्ध कर दीजिए। इसकी पूजा कीजिए, धूप दीप दिखाकर अभिमंत्रित कीजिए, महादेव के महामंत्र ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए और उसके बाद चांदी के ताबीज में रखकर इसे गले में पहना दीजिए। जिस नौकरी में परीक्षाओं में सफलता नहीं मिल रही है, उस उपाय के बाद न केवल आपको सफलता मिलेगी बल्कि आप जो आप पाना चाहते हैं आपकी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाएगी। दोस्तों, गुरुजी का कहना है कि ऐसे में सांप की कैचुली मिलना हमारे लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। सांप की कैचुली मिलने से उसके बाद आप सांप की कैचुली किसी अच्छे से फ्रेम में लगाकर अपने घर की दीवार पर भी लगा सकते हैं। इससे घर का वास्तु दोष ठीक रहता है, नकारात्मक शक्तियाँ भी दूर रहती हैं। इसके अलावा अगर आपकी इच्छा पूर्ण नहीं हो रही है, आपकी इच्छा पूर्ति के लिए सांप की कैचुली बहुत ही उपयोगी साबित होती है। इच्छा पूर्ति के लिए आप सांप की कैचुली की माला बनाकर सावन में भगवान शिव को अर्पित कर सकते हैं। इससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और आपकी इच्छा जल्दी पूर्ण हो जाती है। इसी के साथ गुरु जी का कहना है कि अगर आपको धन की कमी है, आर्थिक तंगी से आप परेशान हो चुके हैं, तो इसके लिए भी उपाय है, तो भी आप सांप की कैचुली को आपको फायदा करवा सकती है। इसके लिए आपको गुरुवार के दिन केले के पेड़ पर सांप की कैचुली को बांधना होगा। यह उपाय करने के बाद आपके धन की कमी दूर हो जाएगी, धन की प्राप्ति होगी। इसी के साथ बागेश्वर धाम सरकार के गुरुजी यानी पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी कहते हैं कि संतान प्राप्ति के लिए भी सांप की कैचुली बहुत ही मददगार होती है। गुरुजी का कहना है कि अगर कोई महिला गर्भधारण नहीं कर पा रही है, कोई महिला शादी के काफ़ी साल बाद भी माँ नहीं बन पाई है, तो उन्हें सांप की कैचुली का यह उपाय जरूर ही करना चाहिए। इससे 100% ही उन्हें संतान सुख जरूर मिल जाएगा। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले सांप की कैचुली को जला दीजिए। आप सांप की कैचुली की राख बन जाएगी। अब आपको इस राख को गुड़ के साथ संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाली महिला को खिला देना है। इस टोटके को करने के बाद निश्चित तौर पर ही महिला गर्भ धारण कर लेती है। इतना ही नहीं, आपके मन में बेटा या बेटी जिस भी बच्चे के लिए कोशिश कर रहे हैं, वह संतान प्राप्ति की इच्छा भी उपाय कारगर साबित होता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ उपाय जो बागेश्वर धाम सरकार ने अपने भक्तों को बताए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही बागेश्वर धाम सरकार की जय बोलिएगा और श्री बालाजी महाराज का धन्यवाद कीजिएगा। जय श्री राम।